हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज दंगल के पेपर में फुल सिलेबस पार्ट टू की पेपर सॉल्यूशन मैं यहां पे करने जा रहा हूं। इफ पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर डिटरमाइन एट द टाइम देन वैल्यू ऑफ डेल्टा पी। डेल्टा पी यहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यहां बात कर रहा है और ये अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है। तो ये बता रहा है कि जो डेल्टा पी है वो इक्वल टू है 3 डेल्टा एक्स। तो अपन कह सकते हैं डेल्टा एक्स इज गस टू क्या आ जाएगा? डेल्टा पी बाई 3। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज गस टू क्या होता है? अपना एच अपॉन 4 पाई। क्लियर? अब यहां पे अपने को क्या करना है, डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी अपॉन 3, डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर इज गस टू 3H अपॉन 4 पाई। यहां पे अगर मैं बात करूं तो डेल्टा पी इज गस टू क्या आ जाएगा? 3H अपॉन पाई अंडर रूट, ये आ जाएगा 1/2। अगर डेल्टा पी की वैल्यू रखूं तो क्या आ जाएगा? एम डेल्टा वी इज गस टू 1/2 3H अपॉन पाई। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, तो 1/2m √3h/π। तो आपका कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा? सेकंड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन PCl3 गैस Cl2 गैस PCl5 गैस द वैल्यू ऑफ Kc एट 600 केल्विन इज, ये आपको Kc की वैल्यू दी गई है। The value of Kp at this temperature will be, अब आपको यहाँ पे temperature की value find out करनी है, at this time, Kp की value, sorry, given temperature पे आपको Kp की value find out करनी है। तो Kp Kc का क्या relation है? आपको पता है Kp is equals to Kc RT power delta Ng, delta Ng यहाँ से find out कर लेंगे। delta Ng आपका क्या होता है? N product minus N reactant, ये सिर्फ gases mole include करेंगे। तो यहां से प्रोडक्ट का 1 है और रिएक्टेंट के गैसेज मोल 2 हैं, तो डेल्टा एनजी की पावर क्या आ जाएगी? -1। तो इस हिसाब से केपी इज गस टू क्या आ जाएगा? केसी आरटी, ये -1 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये केसी अपॉन आरटी आ जाएगा। केसी कितना है आपका? 24.63। और यहां पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 600 केल्विन है। क्यों ना मैं इसको यूं लिख दूं, लिख सकता हूं 600 केल्विन को, इसका मल्टीप्लेशन कितना होता है? 24.6। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 का डिवाइड लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? 0.5। क्वेश्चन नंबर 53, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 मोलर NaCl इज एक्स। तो यहां पे देखो AgCl की सॉल्युबिलिटी देख रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, जो कि यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है। और कॉमन आयन इफेक्ट जब भी आता है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। एंड दी इन 0.1 मोलर AgNO3 इज वाई। अगर AgNO3 की प्रेजेंस में देखे इसी AgCl की सॉल्युबिलिटी, तो वह है वाई। अब आपको एक्स और वाई के बीच रिलेशन देखना है, तो यहां पर भी कॉमन आयन दे रहा है, यहां पर कॉमन आयन Ag हो गया और यहां का कॉमन आयन क्या हो गया? Cl हो गया। अगर इस कंडीशन में अपन देखना चाहें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो मान लो कि AgCl का पहले का KSP दे रखा है अपने को, जो भी है फिक्स है, KSP नहीं बदलेगा। तो AgCl कैसे डिसोसिएट होगा अपना? Ag+ Cl-, नए वाली सॉल्युबिलिटी इसकी H- है, इसकी भी H- मान ले। NaCl की प्रेजेंस में ये Na+ और ये Cl- में टूटेगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 मोलर। ये इनिशियली 0.00 हो जाएगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी ये तो 0, ये 0.2 मोलर है और ये भी 0.2 मोलर है। तो KSP इज गस टू क्या आएगा इसकी वजह से? तो H-, और हमेशा कॉमन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मानी जाती है, तो ये आ जाएगी कितनी? 0.2 मोलर है। तो H- क्या आएगा? KSP अपॉन 0.2। अगर AgNO3 को अपन लेके चलें यूज, तो ये तो क्या है? एक्स है, ये सॉल्युबिलिटी एक्स मानी। अभी यहां पे देखें कॉमन आयन अगर AgNO3 अवेलेबल करवाता तो ये कैसे टूटता? Ag+ NO3- में यहां डिसोसिएट होता।
अब वही इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, ये 0.0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर, तो कॉमन आयन की वजह से ये ले ले पड़ेंगे। तो अपना के एस भी क्या आएगा इस बार, तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन है ये, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेंगे, तो ये तो ले ली मैंने 0.1। अब इस कंडीशन में ये सोल्युबिलिटी एच डैश आ गई, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाई बोल रहे हैं, इसको तो बोल रहे हैं अपन वाई, तो वाई इज गज टू क्या आ जाएगा, के एस पी अपॉन 0.1। तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें तो 0.2 का डिवाइड होगा, इसमें 0.1 का डिवाइड होगा, इसका मतलब एक्स से बड़ा होगा वाई, मतलब ये वाला रिलेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ पी एच 5.23, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस पूछा है, तो अपने को पता है पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस पी एच, जो कि आपका कितना है यहाँ पर 5.23। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग एच प्लस, तो एच प्लस कैसे आएगा, एंटी लॉग ऑफ -5.23, और माइनस वाले का जब एंटी लॉग लेते हैं तो 1 बढ़ा दी जाएगी पावर 10 द पावर -6। अब इसको 1 में से माइनस कर लो, 1 में से ये माइनस करेंगे, 1 में से 0.23 अगर माइनस होता है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा, और आपको पता है ये किसकी लॉग वैल्यू है, तो लॉग 0.78, ये 6 की लॉग वैल्यू होती है, तो एक ही बात है अप्रोक्स सही है, तो अपन किसकी लॉग वैल्यू समझ लेंगे इसको 6 की, तो ये आ जाएगा 6 × 10 द पावर -6। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को यहाँ बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस करने का एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देख लो कितने का हो रहा है, ये आया +5 में, कहाँ से, जीरो से, जीरो से किस में आ रहा है, +5 में, और ये -0 से इसमें आ रहा है, तो इनको अपोजिट मल्टीप्लाई करना है जिसमें चेंज हुआ है, इसमें तो -1 से जीरो में गया है, तो एक का चेंज हुआ है ना, तो एक का चेंज हुआ है, तो आप एक काम करो IO3 इसके लिए तो लगा दो 1, क्लियर, ये तो लग जाएगा यहाँ पे 1, फिर ये 5 का चेंज हो रहा है तो इसके लग जाएगा आपका 5, तो एक की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 5, क्लियर। फिर उसके बाद में यहां की बात करें तो 6 आयोडीन हो गए, तो डी आ जाएगा 3, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, क्लियर। अब सिंपल सा है, ऑक्सीजन देखना है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3H2O, तो मतलब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। अब सी का मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए, तो ये आ जाएगा 6H+। तो ऐसे आप ये डायरेक्टली बैलेंस भी कर सकते हो, तो आपका बी आ जाएगा 6, तो 5633, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ 4 ट्यूब्स ऑफ कार आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर विद N2O2, H2 एंड CO2 रेस्पेक्टिवली, देन विच वन विल बी फिल्ड लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा भरेगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये लगाओ आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज गस टू NRT, तो यहाँ पे प्रेशर सेम कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इसको उठा दो, ये ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, इसको उठा दो, टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट है, इसको उठा दो, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, N, N की जगह आप क्या लिख सकते हो, W/m, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, इन्वर्सली है, इसका मतलब वो लास्ट में भरी जाएगी, तो आपका कौन आ गया, CO2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा एटम किसमें है ये देखना है, 5 ग्राम एटम्स का मतलब है मोल, तो 0.5 मोल एटम है, सॉरी मोल है, तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, यहां से देख लो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू N × Na × आपका क्या आ जाएगा, एटोमिसिटी, तो मोल कितना दिया है 0.5, एवोगाड्रो नंबर हो गया, Na कॉपर की एटोमिसिटी कितनी है 1, तो ये तो आ जाएगा 0.5 Na नंबर ऑफ एटम्स, और आपको यहाँ लार्जेस्ट नंबर ही चूज करनी थी, तो जब 0.5 मोल में 0.5 Na है, तो ये वाला तो 0.25 मोल है, क्लियर, तो इसमें कितने आएंगे 0.25 Na, तो ये तो गया। फिर इसके अंदर देखें,
तो इसके अंदर अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड देंगे तो ये तो 0.1 मोल ही आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 0.1 n, तो ये भी गया। और ये तो 1 ग्राम ही है, तो 1 ग्राम में 63.5 का डिवाइड करोगे तब जाके मोल आएंगे, और उसको एन से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा किस में है, फर्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ईच एज ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग, इफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इज 120 एंड इट्स डेंसिटी इज 6.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, द क्रिस्टल लैटिस इज। तो आप यहां पे जेड की वैल्यू निकाल लो, जेड की वैल्यू 1 आ गई तो एस सी है, जेड की वैल्यू 2 आ गई तो आपका बी सी सी है, ऐसे ही 4 आ गई तो एफ सी सी है। तो यहाँ क्या करना है, अपने को डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। डी इज गस्टू क्या होता है, एम इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम क्यूबिक है तो वॉल्यूम ए क्यूब ले लेंगे अपन। तो जेड क्या आ जाएगा, डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन एम। तो डेंसिटी कितनी है, 6.25 एन ए 6 × 10³, ए क्यूब करना है तो इसको यूं बोल सकता हूं मैं पिकोमीटर को, 400 × 10⁻¹० सेंटीमीटर में लाना है, सेंटीमीटर क्यूब में है। या इसको मैं यूं बोल सकता हूँ 4 × 10⁻¹। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ 4 × 10⁻¹ क्यूब अपॉन 120। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.256 × 10³ इंटू 64 × 10⁻²⁴ अपॉन 120। क्लियर। तो यहां से अगर देखा जाए तो अपन एक काम कर सकते हैं, इससे 23 तो ये 10⁻¹ आ जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाओ तो यहाँ आ गया 10⁻²। फिर ये आ जाएगा 6 × 2 = 12 है, और यहां पे देखें कितना आ गया 37। एक मिनट, 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 32 आ जाएगा। क्लियर। अब 32 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये लगभग 200 के समथिंग आएगा, 200 के समथिंग आएगा, तो ये कितना है, -2 है, तो कितना आ जाएगा 2, जेड की वैल्यू यहां आ जाएगी 2, और 2 आने का मतलब ये आ गया बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 9.9 मोल्स ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज पी नॉट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो अपने को पता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, या ले लो पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स सोल्यूट। क्लियर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा पी को पी नॉट माइनस पी एस, यह आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो वाटर के मोल तो 9.9 है, सोल्यूट के मोल निकाल लो तो सोल्यूट के मोल कितने आ जाएंगे, यूरिया के मोल 6 अपॉन मोलिकुलर मास कितना होता है, ये एन वन आ जाएगा, तो कितना आ गया 0.1। तो टोटल मोल कितने आ गए, एन टोटल आ गए 10 मोल, इसमें जोड़ देंगे। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा कितना, 10 P0 - 10 PS इज इक्वल टू 0.1 PS। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 P0 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10.1 PS। अपने को क्या पूछा है यहां पे, PS, तो PS क्या आ जाएगा, 10 P0 अपॉन 10.1, इसका अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.99। तो ये आ जाएगा पी एस इज गस टू 0.99 P0, आपका आंसर चला जाएगा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 100 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट्स 87 पॉइंट। आपको देखो यहां साफ साफ पता चला टी हाफ की टर्म्स में दे रखा है, तो 75% कंप्लीट होने के लिए कितने टी आप लगते हैं, देख लो, सपोज करो इनिशियल 100 है तो 50, फिर कितना आ जाएगा 25, फिर कितना आ जाएगा आपका 12.5, इतना रिमेन रह जाएगा कितना, पहले टी 50 के बाद में टी हाफ, नेक्स्ट टी हाफ, और ये नेक्स्ट टी हाफ। यहाँ पे 0% कंप्लीट है, यहाँ 50% कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 75% कंप्लीट हो गई, और यहाँ 87.5% कंप्लीट हो गई।
तो अगला बोल रहा है यहां से यहां कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, 100 मिनट। तो दो टी हाफ लग गए ना, दो टी हाफ का मतलब कितना है 100, तो टी हाफ का मतलब कितना आ गया 50 मिनट। तो 87.5 कंप्लीट होने में 50 मिनट यहाँ लगेंगे, 50 यहाँ लगेंगे, 50 यहाँ लगेंगे, 150 मिनट लग जाएंगे टोटल। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर फेरी फेरोसाइनाइड एफ ई, ये आपका फॉर्मूला दे दिया। सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन करना है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन करना है तो ये कैसे टूटेगा, 4Fe3++3 एफ ई सी एन 6-4, तो टोटल आयन कितने आ गए 7। तो आयोटा आपका यहां पे कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। 100% आयनाइजेशन पे आपके नंबर ऑफ आयन से आयोटा बन जाएगा। तो अब यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है, तो पाई इज गस्टू क्या आएगा, आई सी आर टी बोल दो या एस टी बोल दो, ये सोल्यूशन कॉन्स्टेंट है जो कि आपका वही रहेगा सेम जो गैस कॉन्स्टेंट होता है। ये कितना आ गया 7, मोलरिटी इसकी कितनी है 0.5, एस आपका कितना दिया है 0.0821 ATM में लेना है ना, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24.6 के नियर बाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको अपन सोल्व करके देखते हैं तो ये आपका आता है, यहाँ से देख लो ये आ जाएगा कितना 3.5, तो ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 86.1 के आसपास अगर इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर, नेक्स्ट अपन चलते हैं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है रिवर्सिबली है, तो आपका वर्क क्या होगा, वर्क क्या आ जाएगा -NRLN NRT LN P1/P2। सॉल्व करेंगे तो ये -2.303 NR × T log P1/P2, तो ये आ जाएगा -2.303 × N mol 1 है, R जूल में निकालना है तो 8.314 आएगा, लेकिन किलो जूल में निकालना है तो इसको किलो में बदल लो, 1000 का डिवाइड कर दो, टेम्परेचर कितना है 27 300 केल्विन, ये log 1/4। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा कितना 3.4 किलो जूल। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं अपन। दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर दी सेल इज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे अपने को चेक करना है। कंसंट्रेशन सेल आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको पता है ये तो आपका एनोड बनेगा, तो एनोड का तो Cu2+ में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंसंट्रेशन तो यहाँ रहेगी, और कैथोड बनेगा वो वाला पार्ट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में चला जाएगा Cu में चला जाएगा, ये कंसंट्रेशन कितनी है 0.04। तो आपको पता है इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स RT/NF, एन की जगह क्या आएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एल एन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ऊपर रिएक्टेंट के आपको नीचे, तो यहाँ पे क्या आया RT2F(Ln)1/4, इसको मैं यूँ भी तो कह सकता हूँ ना -RT2F(Ln)1/2 पावर टू को यहाँ लाएंगे लोग पावर ही बन जाती है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -RT/F सिर्फ F बचेगा, और यहाँ आ गया Ln 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट NaCl HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड रूट सी, मतलब कंडक्टेंस के बीच। तो आपको पता है वीक वाला तो कहाँ चलेगा, ये रहा वीक का होता है वो तो कोलरस के अकॉर्डिंग चलता है, इसके ऊपर तो ये इक्वेशन आपकी अप्लाई होगी नहीं, ठीक है, तो आपका ये तो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया थर्ड, इसके लिए तो है थर्ड। क्लियर, फिर बात करें जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ कंडक्टेंस सडन डाउन किसकी होती है, जो वीक होगा, क्योंकि डाइल्यूशन से देखो डाइल्यूशन होने पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक की कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। तो इनके अंदर देखा जाए तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ, तो फर्स्ट वाला तो है आपका HCl का, सेकेंड वाला आपका आ गया
NaCl का, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट बात करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, CO2 एंड H2, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, कंबसन पूछी है किसकी, C2H4 की कंबसन पूछी है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 3N, तो ये आ जाएगा 3 O2 आपका 2 CO2 + 2 H2O, तो 1 मोल का कंबसन हुआ, यही आपकी हीट ऑफ कंबसन है, यही एंथैल्पी चेंजेज है यहाँ, तो डेल्टा एच निकालना हो जब सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई हो तो क्या किया जाता है, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन में से प्रोडक्ट की क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है, तो चलने दो इसके अंदर, तो पहले तो देखो इसकी फॉर्मेशन दी हुई है कितनी, दी हुई है CO2 की फॉर्मेशन, ये रही कितनी है माइनस है 3 9 4, लेकिन ऐसे कितने मोल हैं, दो हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाली प्लस माइनस H2O की कितनी है 2 8 6, ऐसे कितने मोल हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। नेक्स्ट यहां आगे चलें, माइनस तो इसकी आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, तो 52 रिएक्टेंट की माइनस कर रहे हैं ना C2H4 की, तो -52 ये प्लस का ही था, इनटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसकी कितनी होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की कितनी होती है, 0 होती है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो इसको सोल्व कर लेना, तो आपका कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इज रेस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू दी कोलाइडल पार्टिकल्स, अगर देखो सेम चार्ज होगा कोलाइडल पार्टिकल्स पे तो उनमें एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे जिसकी वजह से वो कोगुलेट नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज, अब रीजन सीधा बिकॉज लगा लो या सो लगा के चेक कर लिया, अगर अगर उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक है, नहीं सेट हो रहा है तो वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पहले तो देख लो ये स्टेटमेंट सही है क्या, दी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज प्रिवेंट द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट व्हेन दे कम क्लोजर टू वन अनोदर, तो वही है, ये कंटेनर में अगर पड़े रहे सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्सन लगेगा, इस वजह से ये नीचे आपस में कंबाइन होकर एग्रीगेट एक बड़ा पार्टिकल नहीं बना पाएंगे और नीचे कोगुलेट नहीं होंगे, ऐसे में सोल्यूशन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, एक्सप्लेन ऑफ ए, पहले तो इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहां दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए, तो ये तो गया आपका, ये सही हो जाएगा, क्यों, ए और आर सही है और आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री, आज मैं आपके साथ आपके दंगल फोर्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा, आपको किसी तरह से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया है तो आप ये वीडियो देख करके अपनी उस गलती को सुधारें, क्योंकि अब गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है कि आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, यहां पर इस कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसका मतलब है ये जो पार्ट है ये नंबर वन पर होना चाहिए था, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद इसका नंबर आएगा क्योंकि यहां पर प्लस आई काम कर रहा है और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई दोनों ही काम कर रहे हैं, तो ये थर्ड नंबर पे होना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसका मतलब ही गलत हो गया। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में से स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होता है, पैरानाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, तो यहां पर ये पहले नंबर पर होना चाहिए, ये दूसरे नंबर पर होना चाहिए और ये तीसरे नंबर पर होना चाहिए, तो ये भी गलत है बेटा। यहां देखें, यहां पर आपके पास क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा इस कंपाउंड में, जो आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे वो कॉन्जुगेटेड बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, तो ये बिल्कुल सही फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए। यहां पर माइनस आई काम कर रहा है और यहां प्लस एम माइनस आई काम कर रहा है,
तो ये सेकंड नंबर पे ही होना चाहिए और ये थर्ड नंबर पे होना चाहिए, तो यही आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है। इसकी बात करें, सल्फोनिक एसिड पहले नंबर पर होना चाहिए, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड होना चाहिए, फिर उसके बाद फिनोल होना चाहिए, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल गया बेटा, थर्ड मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई फैक्ट। माइनस आई का एक ऑर्डर आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको वो ऑर्डर अच्छे से याद रखना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए इन चार ऑप्शन को आपको क्या लग रहा है, ये नाइट्रो ग्रुप यहां नहीं हो सकता, ये तो पहले आता है तो ये गलत हो गया। फ्लोरो ओ आर ओ एच यही ऑर्डर इसके अंदर गलत सही दिया हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया सेकंड। ये ऑर्डर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, अच्छे से याद रखने पड़ेंगे बेटा। 69, एक एल्कीन है, एचबीआर है, परोक्साइड है। एल्कीन एचबीआर परोक्साइड आपको साथ दिख जाए तो आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में पहले मैकेनिज्म आना चाहिए फ्री रेडिकल एडिशन। कैसा आना चाहिए, फ्री रेडिकल एडिशन। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जब आप इसके साथ इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे तो यहां पर आप ब्रोमीन अटैच करेंगे बेटा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है आपके पास, थर्ड। बात समझ में आ रही है, एल्कीन एचबीआर परोक्साइड दिया हो तो एक तो आपके माइंड में आना चाहिए इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन, दूसरा एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करके आप प्रोडक्ट को बना लें। ठीक है, 70, विच प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट इन गिवन रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन, चार रिएक्शन दे रखी है और जो प्रोडक्ट है मेजर उसका मॉलिक्यूलर मास चेक करना है। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं यहां पर फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ये यहां से रिलीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट का जो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट में जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है बेटा, ये फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा। सेकंड आपके पास देखें वुड्स रिएक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड में आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, ये सेकंड का प्रोडक्ट होना चाहिए बेटा। थर्ड की बात करें तो यहां से आप यहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, 1 2 3 4। तो आपके पास थर्ड में यहां पर ये इस तरह का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फोरी कार्बन है आपके पास, और आपके पास लास्ट जो है ऑप्शन इसमें ये रिडक्शन दे रहा है, तो फोर्थ में आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन चारों प्रोडक्ट में से मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम पूछा है बेटा आपसे, अधिकतम अणुभार आपसे पूछा है, तो इसमें से आपको क्या लग रहा है किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, सेकंड का है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाउ मेनी एच आई मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड इन गिवन रिएक्शन। आपको एक कंपाउंड दिया है और इसमें पूछा है कहां पर आप एच आई की रिएक्शन करवाएं, पहले तो ये देखेंगे उसके बाद आप एच आई के मोल्स की बात करेंगे। और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर बेंजीन के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट है तो यहां रेजोनेंस होता है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, तो आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करेंगे। तो एक तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो जब ये ब्रेक होगा तो यहां पर वन मोल एच आई कंज्यूम हो जाएगा, और जब ये मोल ब्रेक होगा तो यहां भी वन मोल एच आई कंज्यूम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं टोटल कितने मोल एच आई कंज्यूम होते दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 मोल्स ही कंज्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बाकी कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बेटा, सिर्फ यहां से ये रिमूव हो जाएगा और यहां से ये रिमूव हो जाएगा। तो इस पर आयोडीन आ जाएगा, इस पर एच आ जाएगा आपके पास, और यहां पर इधर एच आ जाएगा और इसके साथ आयोडीन आ जाएगा। तो कितने मोल एच आई कंज्यूम होते दिखाई दे रहे हैं, 2 मोल्स। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद कॉपर। ऐसा कौन सा अल्कोहल है, अच्छा कॉपर और अल्कोहल की रिएक्शन क्या थी आपके पास, डिहाइड्रोजिनेशन। कब, जब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं कीटोन बन रहा है, लेकिन जब टर्शियरी अल्कोहल होता है तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है,
ये प्राइमरी है, रिएक्ट कर जाएगा, इससे बनेगा आपके पास CH3CHO, ठीक है। यहां पर ये सेकेंडरी है, रिएक्ट कर जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, इससे तो आप क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं किसको रिमूव करके, वाटर को रिमूव करके, लेकिन इसमें आप न तो एल्डिहाइड बना सकते, न कीटोन बना सकते, न ही इसका जो है आप डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना सकते हैं। तो ये वो कंपाउंड है जो कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपसे पूछा था विल नॉट रिएक्ट पूछा है, तो आंसर क्या लगा बेटा आपके पास, सेकेंड। बात समझ में आ गई? विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस। देखो बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट जब आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये एक्चुअल में इस तरह से आप लेंगे, वो नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये एक एरोमेटिक पार्ट है तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ठीक है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एसीटोन इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ साथ नाभिक स्नेही का भी व्यवहार करता है, एसीटोन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। एसीटोन जो है उसमें ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करता है, तो दोनों तरह के कैरेक्टर हैं, ये भी करेक्ट हो गया। सी है कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं बेटा यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ज्यामितीय समावयवता नहीं करेगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बेटा। दिस एनायन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, एक रेजोनेंस हो रहा है बेटा, जबकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, उल्टा इसका यहां क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ए एंड बी आपके पास करेक्ट है, ए एंड बी, आंसर क्या चला गया बेटा आपके पास, फर्स्ट। समझ में आ गई बात बेटा? नेक्स्ट देखें 74, करेक्ट ऑर्डर, आपको स्टेबिलिटी दे रखी है, देख लो आप स्टेबिलिटी कैसे चेक कर रहे हैं, देखिए यहां पर आप देखें इसके पास 4 क्लोरीन अटैच है और इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर तीन ही क्लोरीन है, तो जितनी ज्यादा क्लोरीन अटैच होगी ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड वीक है। आपके पास सी एच बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू सीसीएल, ये स्ट्रांग बॉन्ड है। बॉन्ड स्ट्रांग बनाने का मतलब है कि इसको बॉन्ड को बनने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो यहां पर ये एक करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें 4 सीएल है, इसमें 3 सीएल बॉन्ड है, इसमें 2 सीएल बॉन्ड है, इसमें 1 सीएल बॉन्ड है। अच्छा ये तो रॉन्ग हो गया, फिर अब यहां देखें डाइपोल मोमेंट दिया आपको, यहां याद करना है आपको कि CH3F का डाइपोल मोमेंट CHCl3 से CHCl जो CH3Cl है उससे ज्यादा नहीं होता बेटा, कम होता है। एक्चुअल में CCl के रिस्पेक्ट CF बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम होने से इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपके पास ए एंड डी, ए एंड डी मतलब थर्ड आंसर आ रहा है आपके पास। पहला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड, सीसीएल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और यहां पर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो सी एफ बॉन्ड एज कंपेयर टू सीसीएल बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए एंड डी आपके पास थर्ड आंसर आ रहा है।
75 मैग्नीशियम 1 इक्विवेलेंट। देखें तो बेटा इसमें रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले यहां पर कुछ ऐसा मिलने वाला है बेटा, देखें 1 इक्विवेलेंट दिया है ना, ये बनेगा। अब हमें पता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में MgCl2 आपको अलग बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 मोल मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएंगे तो यहां पर आपको एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट दिखाई देगा। अब इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कार्बन नेगेटिव है तो आप यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट होते हुए देख पा रहे हैं। तो आपका ये आंसर आएगा बेटा, इसमें कौन सा आंसर आ गया इसके अंदर, ये सेकंड। सेवेंटी सिक्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का आपको एक ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है, और इसके लिए क्या देखना है हमें, देखें यहां पर ये रिएक्शन सेंटर है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जहां पर कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने वाला है। तो इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसमें यहां न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच होने से इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस बेस पर आपके पास रिएक्टिविटी आएगा ए और फिर सी, उसके बाद बी और सबसे लास्ट में डी, ये आ जाएगा बेटा ए सी बी डी, थर्ड आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं और आप ऐसा नहीं चेक करना चाहते तो आप क्या करें, इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में क्या बनता है, एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबलाइज हो सकती है SN2 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस ग्रुप की हेल्प से आप उस ट्रांजिशन स्टेट को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस दिस एंड दिस। तो ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबलाइज होगी SN2 रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं। या फिर आप देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप स्ट्रांग होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजिली वहां क्या कर देगा, अटैक कर देगा बेटा। देखें क्या होगा, CH3CH2CH Cl and Cl, सबसे पहले इसमें 2 मोल NaNH2 कंज्यूम होंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। अब इसमें 1 मोल और कंज्यूम हो जाएगा, क्यों कंज्यूम होगा बेटा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस में कौन सी गैस बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, अमोनिया गैस बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कंपाउंड आपको क्या मिला है, ए मिला बेटा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH3 Cl के साथ तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये बी है और इस बी को जब आप लिंडलार कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको सिस एल्कीन मिलेगा बेटा, कैसा मिलेगा, सिस एल्कीन। तो इसमें देखो सिस कौन सा है, सेकंड आंसर, बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चले। इंडस्ट्रियल एल्कोहल कैन बी डीनेचर्ड, आप जो है इंडस्ट्रियल एल्कोहल का मतलब है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल को डीनेचर्ड किस किस की हेल्प से कर सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल ऐड करके उसको डीनेचर्ड किया जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट उसके अंदर कलर प्रोड्यूस करता है, पायरिडीन उसके अंदर एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, कॉपर सल्फेट एंड पायरिडीन, ठीक। डीनेचर्ड एल्कोहल जो है वो पीने के काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है,
विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? आप देखें, आपको पूछा है कि चेन आइसोमर है, बेटा ये तो आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। यहां पर आप देखें 7 कार्बन है और यहां पर आपके पास 8 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, गलत हो गया ये तो। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजिशन नहीं है, आप देखें ये सीआई है, चेन आइसोमर है ये तो ये गलत हो गया। HCN HNC शो टोटोमेरिज्म, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। आप देखें इसके अंदर ये पोजीशन आइसोमर नहीं है बेटा, ये दोनों आप देख रहे हैं कैसे आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, FI है ये दोनों, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपसे क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सत्य कथन पूछा था, तो ये आपके पास थर्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ एस्पायरिन, एस्पायरिन ऐसा होता है बेटा आपके पास OCOCS3COOH। अब इसका नेम जो है ये देखें 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहा जा सकता है? एसिटॉक्सी, फोर्थ आंसर 2-acetoxybenzoic acid। ठीक है, 81, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए आप, फर्स्ट शो नहीं करेगा, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा। यहां पर आप देखें एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, ये जीआई शो कर देगा, सिस ट्रांस बना सकते हैं हम इसके अंदर। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है, तो एट प्रेजेंट ये सिस है, तो हम इसका ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, ये भी जीआई शो कर देगा। ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है बेटा, तो इसमें जीआई नहीं बन सकता क्योंकि ये एक्चुअली इस फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये तो नॉन प्लेनर है, तो एट प्रेजेंट ना तो ये सिस फॉर्म में है ना ये ट्रांस फॉर्म में, जीआई शो नहीं करेगा, तो बी एंड सी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, एट प्रेजेंट ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? सिस फॉर्म में दिया है, तो हम इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 82 कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, फर्स्ट में आपको दे रखे हैं पॉलीमर्स और सेकंड कॉलम में आपको दे रखे हैं इनके मोनोमर्स, तो इनको मैच करना है। तो देखें ब्यूना एन का मोनोमर क्या होता है बेटा, ब्यूना एन किससे बनाया जाता है? ब्यूटाडाइईन, 1-butadiene आपको चाहिए इसके अंदर, 1,3-butadiene, और उसके बाद क्या चाहिए? एक्राइलोनाइट्राइल। देखो ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल कहां पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ, तो ए किसके साथ मैच हो रहा है? ई के साथ मैच हो रहा है, तो ए भी आंसर नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर तो इसमें आ गया। बी में देख लेते हैं, बी क्या है? नाइलॉन 6-6। नाइलॉन 6-6 के लिए आपको क्या चाहिए? हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड चाहिए, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, तो ये सी आएगा। देखो यहां पर ये मैच कर रहा है, तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक क्या कर जाएंगे? मैच कर जाएंगे। ठीक, फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बेटा, अल्फा बीटा के फॉर्म में होती है, ये इस फॉर्म में आता है आपके पास ये, तो इसमें कायरल सेंटर ये भी होगा, यहां पर भी कायरल सेंटर आएगा, यहां भी कायरल सेंटर आएगा, यहां पर भी कायरल सेंटर आएगा, तो 4 कायरल सेंटर बनेंगे, आप इसमें एच और OH ऐड कर लेना बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज 3, गलत बेटा, इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के देख लेते हैं बेटा, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। थर्ड देखें आप, इक्वेनिल इज ए ट्रांक्विलाइजर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट होना चाहिए, सेकंड थर्ड करेक्ट होना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए? फोर्थ आंसर क्या आना चाहिए बेटा? फोर्थ, बात समझ में आ गई। 85 ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल जो है आपके पास सेपरेशन के बारे में पूछा है,
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये स्टीम वॉलेटाइल है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल, और यही कॉन्सेप्ट जो है आपको चाहिए स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये ट्रू है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तो ये होता है बेटा आपके पास, और ये क्या है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये है आपके पास, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, ये यहां गलत हो गया बेटा, मोर नहीं कैसा होगा लेस एसिडिक होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ए ट्रू है, ए करेक्ट है, और आर जो इसका दिया है वो क्या दिया है इनकरेक्ट दिया है। तो ए ट्रू है और आर इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहा होगा अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर करें बेटा, इस समय डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी इनऑर्गेनिक के पार्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो सिंपल मॉलिक्यूल भी होते हैं, याद रखना डीटीटी भी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही होता है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, ड्यू टू विच इम्प्योरिटी द नॉर्मल सॉल्ट बिकम मॉइस्चर। अभी यहाँ पे एक चीज समझा, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए देखो NaCl होता है ना, जब उसको सी वाटर से बनाया जाता है ऑपरेट करके, तो इसके अंदर CaCl2 और MgCl2 की इम्प्योरिटी होती है। ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं जिस वजह से हाइड्रेटेड फॉर्म में जाने की इनकी टेंडेंसी पाई जाती है। तो एनवायरमेंट में जो भी मॉइस्चर है उसको ये ऑब्जर्व कर लेंगे। तो आपका आंसर कौन सा जाता है, सेकेंड। कहते हैं ना प्योर NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बट टेबल सॉल्ट इज सो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इस इम्प्योरिटी को हटाना है तो इसमें से HCl गैस पास की जाएगी, ऐसे में सिर्फ NaCl क्रिस्टलाइज हो जाएगा और प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर दो इलेक्ट्रॉन लगा निकालने के लिए 250 एनर्जी लगती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 100 लगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हो गई, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात भी सही है कि आई ई फर्स्ट ऑफ एम प्लस, आप यूं देखो एम से एम प्लस में गया फिर एम प्लस टू में गया, तो यहाँ के लिए एनर्जी लगेगी 100, यहाँ के लिए 150, यहाँ से यहाँ जाने के लिए लगेगी 250। तो ये दो तो सही होगी। ये IE2 of M, इसके IE2 को बोल रहा है कि ये कितना है, IE2 of M गैस इज 250। तो यहां पे देखो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहां से देखा जाए तो पहले तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आई और फिर यहां से बनेगी वो इसके लिए सेकंड। देखो अगर इसके लिए बात करूं तो ये इसकी IE फर्स्ट है और ये वाली इसके लिए IE2 सेकंड है, और इसके लिए बात करूं तो ये वाली इसके लिए तो IE फर्स्ट है। तो ये कह रहा है IE2 ऑफ M, तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ये 250 है, गलत बात, ये तो 150 ही है, तो ये वाला इनकरेक्ट है और आपको यहां पे इनकरेक्ट ही चूज करना था। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ओवे द ऑक्टेट रूल, कौन सा है जो ऑक्टेट रूल को यहां पे फॉलो करता है। तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरोन फैमिली में, 3, तो 3 तो इसके हो गए, 4 सिग्मा ये बना रहा है, क्लियर। या यूं देख लो बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, फिर ये जो फ्लोराइड है इसके वैकेंट और वाइटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो आप यहां से गिन लो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। वैसे ही इसके अंदर देख लें एल्यूमिनियम के हो गए 3, क्लियर। अब फिर वही आ गया, या यूं देख लो स्ट्रक्चर बना के AlCl Cl और ये Cl-, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये सुपर ऑक्टेट बना रहा है, क्यों, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये लो, तो इसके कितने हो गए 2, तो ये हो गए 4, ये हो गए 4, 4, 8 और 2, 10, यहाँ पर तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो गया, तो ये गया CCl4,
तो इसका देख लो आप CCl4 का, तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो आपका कौन सा आ गया, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये आपका कौन सा आंसर चला जाएगा, थर्ड। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको, चेक करना है कि इनकी कौन सी स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं है। बेंट, तो SO2 बेंट है, SP2I हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। फिर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो इसकी अगर मैं देखूं तो इसका SP3D हाइब्रिडाइजेशन है, जिस वजह से ये आपका फ्लोरीन 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 ये स्ट्रक्चर आएगी इसकी, क्लियर। तो इससे ये कैसा हो गया, सीसा सेप, तो मतलब सीसा सेप भी इनमें प्रेजेंट है। फिर CLF3 की बात करूं तो CLF3 का भी SP3D हाइब्रिडाइजेशन है, दो लोन पेयर हैं, तो CL F F F F और लोन पेयर कितने आ गए, दो। ये थोड़ा बेंट टी शेप का हो जाएगा, ये यूं थोड़ा सा बेंट टी शेप मानी जाएगी, तो ये आ जाएगा टी शेप। नेक्स्ट आपको दिया है BRF5, तो यहाँ पे 7 और 5 12 है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है SP3D2, और SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब 5 सिग्मार 1 लोन पेयर है, तो इसका ऐसे होगा ब्रोमीन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये आ गया ये, तो ये आएगी स्क्वायर पिरामिडल। इसकी मैं बात करूं तो इसका भी SP3D2 है, दो लोन पेयर है, तो ये स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सेकंड आ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, याद रखना डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आपका सेम होता है। तो यहाँ पे देखो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 और किसके पास है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो CN- और NO+। नेक्स्ट बात करें, 3 arrangements are shown the complex, ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया उसके अरेंजमेंट दिए गए, तो आप यहाँ से देखो ये दोनों आपस में GI हो गए, एक नहीं आ गए, ये 180 पे चला गया, ये 90 पे है, तो फर्स्ट और सेकंड आपस में जियोमेट्रिकल है, ये बात बिल्कुल सही है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। फिर कह रहा है सेकंड और थर्ड आर ऑप्टिकल आइसोमर, तो ये तो सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये तो ट्रांस है, ये सिस है, ये OI नहीं, ये तो आपस में बढ़ गए GI, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑप्टिकल आइसोमर, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, देखो मिरर इमेज लगाएंगे इसमें बीच में, तो इसका लेफ्ट पार्ट उसका राइट बन गया, सीस का सीस ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड एंड थर्ड आर जियोमेट्रिक, हाँ मैंने अभी बताया था, ये आपके क्या हो गए ट्रांस, और ये क्या हो गए सीस, तो ये आपस में जियोमेट्रिकल है, तो फॉल्स कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब इनकी नंबर बतानी है सिर्फ एक्स की, तो ये बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, तो 6 कैसी होगी, एक इसको रख दो, एक इसको रख दो, कितने हो गए 4 बॉन्ड तो बन गए, 2 और चाहिए, तो इसकी वैल्यू 2 रख दो, तो 1, 1, 2। नेक्स्ट दी ओर दैट कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर इज, तो आपका ये कौन आ गया, कॉपर पाइराइट, CuFeH2, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता, ये +1 में है, ये आपका +3 में। नेक्स्ट द पेयर दैट कंटेंस 2p डबल बॉन्ड, मतलब कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड वाले 2 बॉन्ड होने चाहिए, ऐसा किसके अंदर होता है, इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, कैसे, p, अब यहां पे देखें O p डबल बॉन्ड O, फिर आपका क्या आ गया OH आ गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गए, हाइड्रोजन 4 है, तो एक एक बॉन्ड और, तो ये आ गया और एक ये आ गया, इसके अंदर चेक कर लो P डबल बॉन्ड O OH OH ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH OH, तो ये रहे, तो आपका फर्स्ट इसमें आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट व्हेन कार्बन इज हीटेड व्हेन कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कार्बन को अगर हीट करेंगे तो ये बनाएगा या तो CO2 बोल दो या बना सकता है H2CO3, जो आगे जाके टूट जाएगा H2O देगा, तो ये लो H2O+NO2, तो CO2 बनेगा और NO2, तो CO2 एंड NO2 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये अगर CO2 नहीं होती तो H2CO3 और NO2 भी आंसर कर सकते थे, लेकिन ये अनस्टेबल आगे टूट जाएगा H2O और CO2 में। दी स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट अबाउट द इंटरस्टीशियल कंपाउंड इज, कौन सा ठीक है, देखो
इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी मेटेलिक लैटिस है उसके अंदर जो वैकेंट स्पेस है उसमें स्मॉल नॉन मेटल आइटम हाइड्रोजन हीलियम लाइक बोरॉन ये आ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑब्टेंड होंगे। तो दे डू नॉट हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो ऑलमोस्ट सेम बनी रहती है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। दे आर वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं मच हार्ड, ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, ये भी गलत है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दे आर केमिकली रिएक्टिव, केमिकली इनर्ट हो जाएंगे जिस वजह से कोरोजन नहीं होगा लॉन्ग टाइम तक, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो आंसर चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विद फ्लोरिन क्रोमियम कैन फॉर्म सी आर एफ आई। देखो डी ब्लॉक वाले अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरिन और ऑक्सीजन के साथ ही देते हैं। फ्लोरिन और ऑक्सीजन में भी चूज करना हो तो ऑक्सीजन चूज करो, डबल बॉन्ड बनाता है, कम नंबर में भी रहकर ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा। दूसरा ऑक्सीजन इसलिए बेस्ट है, पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस भी दे सकता है, वो पार्शियली रेजोनेंस ही दो चाहे, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। TiCl4 पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। VF5 बनता है, ये नहीं बनेगा क्यों, 7 फ्लोरिन और मैग्नीज प्लस 7 काफ़ी स्मॉल हो गया, तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, इसके अंदर चाहो तो आप MnO3F यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट, द रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड बाई एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, मेटलर्जी के अंदर जब एल्यूमिनियम को आप रिड्यूसिंग एजेंट का काम में लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट, जिसको वेल्डिंग करने में भी काम में लिया जाता है। थर्माइट मिक्सर याद होगा आपको, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम 3:1 में ये जो आपका यूज किया जाता है। तो आपका कौन सा आंसर चला गया फर्स्ट। बोरेजिन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजिन, ठीक है, इट हैज रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट, बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लाइक बेंजीन, जैसे कि बेंजीन में हर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी सारे sp2 हैं, प्लेनर है लेकिन इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट, तो यहाँ पे p pi बैक बॉन्डिंग, दोनों ही सेकेंड पीरियड गए तो डी तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 2 pi बैक बॉन्डिंग है ये। तो ईच बोरोन एंड नाइट्रोजन sp2, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एरोमेटिक है तो बिल्कुल हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ये बात भी सही है। लाइक ऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन डज नॉट गिव्स एडिशन ऑफ प्रोडक्टिव विद HCl, बिल्कुल HCl के साथ दे सकता है, ये हट जाएंगे H और इनकी जगह Cl आ सकता है, तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल रिएक्शन करेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। और इसमें p pi बॉन्ड है, ये मैंने बता दिया, p pi बैक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। सिलिकॉन का आपको यहाँ पे जनरल फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये रहा R2SI, इसी की रिपीटेड यूनिट आगे जा करके ऑर्गेनो सिलिकॉन बनाती है। बाकी ये तो देखा जाए तो सिंगल चैन सिलिकॉन का मान लो, या फिर आप बोल सकते हैं इसको साइक्लिक सिलिकेट, सॉरी सिंगल चैन सिलिकेट, या फिर इसको साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मूला मान सकते हैं। यह आपका नेजो सिलिकेट है, यह आपका पायरो सिलिकेट है। तो कौन आ गया, यह आ गया। आई होप सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका पेपर अच्छे से गया होगा। तो बस इसी प्रकार आगे फुल सिलेबस के और जो भी टेस्ट आने वाले फुल्ली NCERT बेस होंगे, बस आपको CLC के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। ओके, थैंक यू, जय CLC।